स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को और बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा के बारे में। तो मैनकाइंड फार्मा के बारे में अगर देखें तो पता चलेगा कि आज के दिन शेयर में गिरावट हुई है, 3% के आसपास की गिरावट शेयर में आज के दिन हमें देखने को मिल रही है। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि 32% के आसपास जो है ज़बरदस्त लिस्टिंग मैनकाइंड फार्मा के शेयर ने दी है। कल के दिन हमें देखना होगा, मतलब हमने कल के दिन कहा था कि आने वाले दिन यानी कि आज के दिन देखना होगा कि शेयर में किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है। तो आज के दिन शेयर में गिरावट हो रही है, यानी कि बिक वाली जो है सेलिंग शेयर में देखी जा रही है। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो अपना प्रॉफिट बुक करके जो है निकलने की फिराक में होंगे, लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जो इस शेयर को रखना चाह रहे होंगे, होल्ड करना चाह रहे होंगे, तो उनके मन में ये डाउट होगा कि रखें या बेच के निकल जाएँ। तो देखें तो 3% की आज के दिन गिरावट है और नीचे अगर जाएँ तो पता चलेगा कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि आज के दिन जो है 1340 रुपये का लो इस शेयर ने लगाया है और हाई जो है 1424-25 रुपये का लगाया है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो 1300 रुपये का 52 वीक लो है। 52 वीक लो कौन सा है दोस्तों? 1300 रुपये के प्राइस पे कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद जो है 130 रुपये प्राइस चढ़ा था, तो वही इसका जो है हाई और लो हमें देखने को मिल रहा है। आगे अगर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मैन फार्मा शेयर आर ट्रेडिंग लोअर ऑन प्रॉफिट बुकिंग। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है मैनकाइंड फार्मा के शेयर में हो रही है। आफ्टर लिस्टिंग गेंस ऑन ट्यूसडे, यानी कि जो गेंस 32% का गेन किया था, तो हर किसी के दिमाग में होगा कि अपना प्रॉफिट लो और यहाँ से निकलो। तो एंटीक ब्रोकिंग एक ब्रोकिंग कंपनी है, उसने जो है यहाँ पे बाई कॉल जो है इनिशिएट की है। हमने कल जब वीडियो बनाई थी तब बोला था कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसके बारे में सजेशन आना शुरू हो जाएंगे और बाई की रेटिंग आ सकती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो सेम चीज़ होती हुई देखने को मिल रही है और 1584 रुपये का टारगेट जो है यहाँ पे दिया गया है बाई की रेटिंग के साथ में। उसके अलावा कंपनी के बारे में आपको बताई है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, और 90% तक जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो विद इन इंडिया कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अच्छा इस नज़रिए से है क्योंकि अगर बाहर से कंपनी को पैसा आता तो किसी देश में सिचुएशन जैसे ख़राब हुई और उस कंपनी जो है और वो कंपनी उस देश से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ऐसे में जो है कंपनी जो है ठप होती हुई हमें देखने को मिल सकती थी कुछ टाइम के लिए। तो वैसी सिचुएशन इस कंपनी में नहीं होगी क्योंकि सारा पैसा जो है इंडिया से कंपनी जनरेट। तो कंपनी का चार्ट ये कह रहा है, सिंपली पता चलेगा कि 1300 रुपये के प्राइस पे लिस्टिंग होने के बाद शेयर जो है 1430 रुपये तक यहाँ पर भागा था। आज के दिन शेयर ओपनिंग के साथ ही गिरा और गिर के जो है 1340 रुपये का इसने लो लगाया। हालांकि वहाँ से जो है शेयर ने रिकवरी की है, कुछ रिकवरी मोड में शेयर नज़र अभी के समय में आया है। तो जो लोग एग्जिट कर चुके हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए किस तरह के सजेशन हैं? उनको अगर होल्ड करना है तो यहाँ पे जो 1300 रुपये का इसका ओपनिंग प्राइस था ये वाला, यहाँ की एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अगर इसके पीछे इसके नीचे शेयर जाता है, फॉर एग्जांपल 1295 रुपये जाता है, तो आप एग्ज़िट मेरे ख्याल से मैनकाइंड फार्मा से कर सकते हैं। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है ये अगर हिट नहीं होती है किसी वजह से, तो आप इस शेयर में कंटिन्यू बने रह सकते हैं और आपका जो भी प्रॉफिट बनता है उसको जो है राइड आप करके चल सकते हैं। शेयर जहाँ जाता है 1500-1600 जिस भी प्राइस पर शेयर जाता है, आप प्रॉफिट को अपने राइड करके चल सकते हैं। तो यही सजेशन है, इन सजेशन के साथ आप मैनकाइंड फार्मा में ट्रेड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं।